टैली क्यों लाया गया, टैली किसने बनाया, टैली का पूरा नाम क्या होता है, टैली का हिस्ट्री क्या है और टैली में कंपनी किस प्रकार से बनाया जाता है, तथा यदि आपका कंपनी अगर जो गलत बन गया उसको सुधार कैसे करेंगे, या हो सकता है आप अपने अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर करने के लिए एक से ज़्यादा आदमी को रखिएगा तो उसमें किस प्रकार से काम वो करेगा, ये सारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें। जय हिंद, मैं सुजीत, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली में किस प्रकार से कंपनी बनाया जाता है, तथा कंपनी बनाने के बाद किस प्रकार से उसमें सुधार किया जाता है बाय डिफॉल्ट, अगर आपका अगर गलती बन गया कंपनी ठीक, तो उसमें सुधार कैसे किया जाता है, या हो सकता है आप अपने अंदर दो चार डाटा एंट्री ऑपरेटर के रखना चाहते हैं तो उसके लिए यूजर ID पासवर्ड क्या देना चाहते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहां पे आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो आता रहता है। चलिए, टैली है तो टैली में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टैली को क्यों लाया गया, ठीक, टैली है जो सॉफ्टवेयर क्यों बनाया गया। तो टैली जो सॉफ्टवेयर बनाया गया इसका मुख्य रीजन है, देखिए पहले है जो मुनीम हुआ करता था, तो मुनीम जो हुआ करता था तो जो ये बही खाता है वो पहले ये रखते थे। अभी भी जो गांव घर में छोटे छोटे दुकान है उसमें क्या होता है, अभी भी जो डायरी रखते हैं, कितना सामान लाया ले गया, इस प्रकार से डायरी मेंटेनेंस करते हैं। बट उस समय क्या, अगर बड़े बड़े जो दुकान शॉप है उसमें क्या है, कोई अगर लाया ले गया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगता है, क्योंकि अगर बाय द वे अगर बही खाता अगर उल्टाया, उल्टाने के बाद किसी अगर एक पर्सन के नाम अगर ढूंढा, बाय द वे जहां अगर दिन भर में 5000 आदमी अगर ले जा रहा है सामान, ला रहा है ले जा रहा है, तो उसका ट्रांजेक्शन निकालने में बहुत ही ज्यादा जो बही खाता है जो हम लोग कॉपी के रूप में यूज करते हैं, तो उसमें क्या बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक, जो किस प्रकार से उसको उल्टा उल्टा के देखा जाए। तो इसी को देखते हुए जो आए और श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका, ठीक, जो दोनों है जो फादर और सन थे, श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका 1986 ईस्वी में आए और इन्होंने टैली बना दिए। ठीक, टैली तो उस वक्त बनाया गया तो नॉर्मल था, धीरे धीरे उसमें वर्जन चेंज होते गया। देखिए वर्जन क्या होता है, तो किसी भी चीज़ में अपने ज़रूरत के हिसाब से उसमें जो बदलाव करते हैं उसका नाम एक नया वर्जन रख दिया जाता है। इस प्रकार से जो टैली भी आया उसमें भी एक नया वर्जन बदलाव होते चला गया। सबसे पहले जो टैली आया उसका नाम था 4.5, टैली 4.5 जो 1990 ईस्वी में रिलीज हुआ, प्रकाशित हो गया। अपने ये भारत का ही टैली, टैली कोई दूसरा देश का नहीं है, अपना भारत का ही कंपनी है, बेंगलुरु में इसका मेन ऑफिस है। और श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका, नाम से भी आपको मालूम चलता होगा, वो कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है। अगर किसी भी प्रकार के अगर सॉफ्टवेयर अगर डेवलप कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो क्या होता है, ऐसे लगने लगता है कि ये इसमें होना चाहिए, जरूरी है, उसमें आवश्यकता पड़ने लगता है, तो उसके बाद क्या होता है उसको उसमें डाल दिया जाता है। इसी प्रकार सबसे पहले जो टैली आया 4.5 आया, उसके बाद फिर टैली आया 5.4 आया, ठीक है 5.4 आ गया सेकेंड वर्जन, उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्जन उसमें बदलाव करके थर्ड जो वर्जन ला दिया गया 6.3, फिर इसमें क्या हुआ 7.2 ला दिया, उसके जो नेक्स्ट वर्जन है वो 7.2 ला दिया, फिर इसके बाद जो बदलाव हुआ उसमें 8.1 है वो ला दिया। टैली 8.1 के बाद जो अगला आया टैली जिसका नाम था टैली 9, ठीक है टैली 9 के नाम से है जो नेक्स्ट वर्जन ला दिया, उसके बाद टैली 9 आने के बाद उसमें आ गया टैली ERP 9, ठीक नेक्स्ट वर्जन आ गया टैली ERP 9। हो सकता है कभी अगर अकाउंटिंग के लिए आप काम करने जाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन सब पूछ सकता है, ठीक है टैली का फर्स्ट वर्जन क्या आया। हो सकता है कहीं भी आप जाइएगा जॉब के लिए तो वहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि टैली का वर्जन फर्स्ट वर्जन कौन आया, तो वो आया 4.5, कब आया तो 1990 ईस्वी में। उसके बाद जो टैली है जो ERP 9 आया, उसके बाद फिर जाके टैली में टैली प्राइम आ गया, टैली ERP 9 के बाद क्या आ गया टैली प्राइम आ गया। देखिए इसमें एक वर्ड आया है ERP, तो ERP का पूरा नाम होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है उद्यम संसाधन योजना या योजनाबद्ध, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पर टैली का भी पूरा नाम है, ठीक टैली का भी पूरा नाम है ट्रांजेक्शन अलाउड इन अ लीनियर
लाइन एयर्ड होता है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है एक लीनियर लाइन एयर्ड में लेन देन की अनुमति। जो लेन देन की अनुमति है उसको हम लोग इसमें क्या है जो रखते हैं। हम लोग बात करेंगे कि टैली को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है और किस प्रकार से उसको सेटअप किया जाता है। तो टैली डाउनलोड करने के लिए हम लोग गूगल क्रोम पे आ जाएंगे और गूगल क्रोम पे आने के बाद इसमें लिखेंगे टैली सॉल्यूशन। ठीक, टैली सॉल्यूशन लिखेंगे। टैली सॉल्यूशन लिखने के बाद क्लिक करेंगे जो ऊपर वाला आ गया ये वेबसाइट, जो मेन वेबसाइट है इसका, यहाँ से चले जाइएगा। और जाने के बाद यहाँ से लाइसेंस वगैरह भी ले सकते हैं। बाय द वे हमको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए ये है डाउनलोड, यहाँ से टैली प्राइम है जो, इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। हो सकता है डाउनलोड होने में कुछ समय लगे, क्योंकि यहाँ पे यदि आपका नेट स्पीड है और कंप्यूटर जो अच्छा है फास्ट चल रहा है तो फिर डाउनलोड बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, और डाउनलोड होने के बाद इस पर हम क्लिक करके और इसको हम यहाँ से हम क्या है ओपन करते हैं, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड फाइल में जाइएगा और उसको ओपन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इंस्टॉल करने के लिए, हम इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक, ये है जो इंस्टॉलिंग हो रहा है। यहाँ पे भी जो इंस्टॉल होने में सॉफ्टवेयर के थोड़ा सा समय लगता है, ठीक, 2-4, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आपके सिस्टम पे भी निर्भर करता है। अब ये स्टार्ट टैली, हम लोग टैली को स्टार्ट कर रहे हैं, इसको जब तक मिनिमाइज कर देते हैं। अब टैली क्या हो गया, यहाँ पे टैली स्टार्ट हो जाएगा मेरा। और टैली का देखिए ये है जो शॉर्टकट यहाँ पे है जो आ भी चुका है। चल इसको अलाउ कर दिए, और अलाउ करने के बाद अब क्या करना है पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये शॉर्टकट आपके है जो स्क्रीन पे भी आ गया, या यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं टैली, और यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो हो सकता है आ जाएगा। देखिए ये टैली प्राइम आ गया, तो इस प्रकार से आ गया। अब इसमें हमको एक्सेप्ट कर देना है, चलिए एक्सेप्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग तो फ्री, देखिए टैली है जो क्या है सीखने के लिए एक फ्री वर्जन देता है, जिसमें आप टाइम और डेट को नहीं है जो चेंज कर सकते, बाकी सब काम होगा, बस इसमें टाइम और जो डेट है वो चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए ये एक्टिव लाइसेंस पे नहीं जाएंगे हम लोग, ट्राई इट फ्री लाइसेंस है जो एजुकेशनल मोड पे दिया गया है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्राई इट फॉर फ्री, तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अब क्लिक करने के बाद देखिए हम पहले से इसको ओपन किए थे, इसके कारण है जो ये डैशबोर्ड आ गया। ठीक, तो हमको नया कंपनी बनाना है, तो इसके लिए यहाँ है कंपनी, याद रखिएगा। नीचे में अगर एक अंडरलाइन है, यहाँ पे अगर ये एक अंडरलाइन है यहाँ पे, तो इसका मतलब अल्ट के साथ, और दो अंडरलाइन रहेगा इसका मतलब कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पे क्या है एक अंडरलाइन है सिंगल, तो इसके लिए अल्ट के साथ, तो अल्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे के प्रेस करेंगे पहले ESC। टैली में अगर पीछे बैक जाना हो तो हम लोग ESC बटन को प्रेस करेंगे। एस्केप की है, फंक्शन की के बगल में होता है बायां साइड में सबसे ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आके ऊपर क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। ठीक, क्रिएट कंपनी पे यहाँ हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे कंपनी का नाम कंप्यूटर बाला, चलिए ये नाम से बाय द वे हम लिख दिए, इसमें एड्रेस वगैरह हम नहीं दिए, तो यहाँ पे आवापुर पुपरी लिख देते हैं। चलिए इस प्रकार से हो गया, इसमें और हम किसी भी प्रकार के हम इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिए इसका उपयोग हम लोग आगे देखेंगे। अब ये है देखिए ये कॉन्फ़िगर जो आ गया, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल हो चुका है, और इसके बारे में भी कुछ नहीं करना है। तो इसमें दो, या तो आप इंटर इंटर मार मार के सेव कर सकते हैं, तो हो सकता है आपका कीबोर्ड का इंटर बटन भी गायब हो सकता है। ठीक, तो इस और सीधे शॉर्टकट में कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, उसके बाद आपका ये सेव हो गया फिनिश। तो कंपनी इस प्रकार से मेरा बन गया, तो कंपनी बनाने में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए क्या डायरेक्ट यहाँ जो कंपनी है, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा, या फिर माउस का बहुत कम यूज कीजिए। जब आप टैली करते हैं तो माउस का नहीं यूज कीजिए, उसको एक साइड में हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद है जो आप यहाँ पे काम कीजिए। तो यहाँ से तो ये
है कंपनी, यहाँ से कर लीजिएगा। अब ये कंपनी बाय द वे मेरा गलती बन गया, क्योंकि इसमें हम मोबाइल नंबर नहीं दिए है, स्टेट नहीं सिलेक्ट किए हैं, तो कंपनी क्या हो गया मेरा गलत बन गया। तो अब कंपनी को हम सुधार कैसे करेंगे उसको, है जो इसमें अल्टर नाम से, ठीक है, इसमें नहीं सुधार आता है, नहीं रिनेम आता है, इसमें अल्टर आता है। जब किसी भी चीज़ को अगर आपको सुधार करना हो तो उसको लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, अल्टर में जाएंगे। तो यहाँ अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे कंपनी में जाने के लिए। बाय द वे आप माउस से ऐसे भी कर सकते हैं, ये माउस का कर्सर ले जाके क्लिक कर सकते हैं, बट वो एक अच्छा तरीका नहीं है, आपको प्रोफेशनल नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपको अगर प्रोफेशनल अगर दिखाना है तो इसके लिए माउस को कम से कम यूज कीजिए। तो अल्ट के साथ के प्रेस कीजिए और यहाँ अल्टर, ठीक, अल्टर में जाइए। अब देखिए यही ना कंपनी हम यही ना बनाए थे डैशबोर्ड में, तो यहाँ से आप है जो स्टेट बिहार सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। बिहार सेलेक्ट करने के बाद इसमें पिन कोड है, हम पिन कोड डाल दिए। पिन कोड डालने के बाद जो टेलीफोन नंबर, बाय द वे आप कुछ भी डाल सकते हैं, चलिए हम ये डाल दिए। और टेलीफोन नंबर अलग होता है, मोबाइल नंबर अलग होता है, ठीक, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक। और ये डालने के बाद फिर टैब, टैब जो आप टैब प्रेस कीजिएगा, इंटर वैसे प्रेस कीजिएगा फिर भी आगे आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टैब में। बट टैब प्रेस करके भी आप जो नया कॉलम्स है उसमें आ सकते हैं। फैक्स नंबर है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। चलिए हम ईमेल आईडी यहाँ पे दे देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट करना है, वेबसाइट अगर है आपको दे दीजिए। चलिए हम www.computerwala.com वैसे यहाँ वेबसाइट से आपको ब्लॉगिंग यहाँ पे जाता रहता है कंप्यूटर टिप्स और ट्रिक के, तो वहाँ से आप जाके कंप्यूटर टिप्स और ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं, नोट्स वगैरह चाहिए तो वहाँ से भी मिल सकता है आपको। तो इसको आप सेव कर लीजिए। और इस प्रकार से कंपनी है जो अल्टर करके हम सेव कर दिए। अब सेव करने के बाद फिर से हम जाते हैं कंपनी में, अल्ट के साथ के प्रेस किए। अब इसके बाद है चेंज कंपनी। देखिए बाय द वे आप 2-3-4 कंपनी खोले हुए और एक कंपनी से दूसरा कंपनी में स्विप करना है तो वहाँ पे हम चेंज कंपनी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद दूसरा कोई कंपनी रहता तो उसमें चले जाते यहाँ से, तो इस प्रकार से हम दूसरा कंपनी में चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे। अब सिलेक्ट कंपनी, तो वो ओपन था कंपनी, ठीक है, चेंज होगा तब ओपन रहेगा तब। सेलेक्ट कंपनी में हम जितना कंपनी बनाए हैं सभी आ जाएगा। देखिए सेलेक्ट कंपनी, तो इसके अंतर्गत हम जितना कंपनी बनाए हैं सभी कंपनी यहाँ पे, जिससे जिसके नाम से हम बनाए हुए हैं सभी कंपनी आ गया। किसी भी कंपनी में यहाँ से हम जा सकते हैं, ठीक। तो जिस कंपनी में जाना हो तो हम यहाँ पर स्विप करके यहाँ से सेलेक्ट कंपनी से आ सकते हैं। फिर बैक जाना हो तो ESC का प्रेस करेंगे, बैक जाने के लिए ESC का प्रेस करेंगे, उसके अंदर जाने के लिए इंटर बटन का प्रेस करेंगे। याद रखिएगा, एक बार अगर अंडरलाइन है तो अल्ट के साथ, दो बार अंडरलाइन है तो कंट्रोल के साथ। अब अल्ट के साथ फिर के प्रेस करेंगे। अब सेट कंपनी, ठीक, तो पहले हम सेलेक्ट कंपनी करते हैं एक, उसके बाद हम उसको सेट करते हैं। तो चलिए ये है बाय द वे अन्नू नाम से ये कंपनी ओपन है। अब ये जो ओपन है कंपनी इसको हमको सेट करना है। देखिए यहाँ पे है जो आपको दिखाई देता होगा, दो कंपनी है ओपन, ठीक, हम चेंज एक दूसरे में जा सकते हैं, तो एक दूसरे में यहाँ पे जा सकते हैं। बट यहाँ अल्ट के साथ के प्रेस किए और इसके बाद सिलेक्ट कंपनी हो गया, सेट कंपनी। कौन सा कंपनी को बंद करना है, अन्नू नाम से वो या कंप्यूटर वाला है वो, तो हम अन्नू नाम से उसको हम बाय द वे बंद कर दी, ठीक। तो कंपनी क्या हो गया, अब बंद हो गया। अब आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे एक ही कंपनी है, कितना कंपनी है, एक ही कंपनी है। फिर अल्ट के साथ हम के प्रेस करेंगे और ये देखिए ये सारा फीचर है जो ऑनलाइन है, यहाँ से ये फीचर सब है जो ऑनलाइन है। अगर आप अगर ऑनलाइन अगर खरीदते हैं, ये फीचर जब काम करेगा जब आप परचेज कीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर जो टैली प्राइम का है लाइसेंस दो होता है, एक सिल्वर होता है एक गोल्डन होता है। सिल्वर का कुछ लगभग में अप्रॉक्स में कीमत है 18,000 प्लस 18% GST, और जो गोल्डन है उसको लीजिएगा तो उसके लिए है 54,000 प्लस उसका 18% GST अप्रॉक्स में, ये है, कभी इसका थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं और ये सब तो काम नहीं करेगा। इसके बाद फीचर में, देखिए फीचर में इससे पहले हम जो कंपनी बनाया उसी वक्त ये आया था फीचर, GST बनाना है, एनलेबल करना है, बंद करना, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, जब GST देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। चलिए अल्ट के साथ के प्रेस के हम लोग फिर से आ जाते हैं
कंपनी में फीचर सिक्रेटरी। देखिए सिक्रेटरी क्या होता है और टैली वॉल्ट क्या होता है, दोनों में पहले अंतर समझ लीजिए। टैली वॉल्ट का मतलब हो गया जो अपना जो एक कंपनी है टैली का कंपनी है उसमें डायरेक्ट लॉक लगा देना, ठीक है। आप लॉक लगा दिए कोई दूसरा आदमी उसको ओपन नहीं करेगा, बट यहाँ पे सिक्रेटरी है, सिक्रेटरी के माध्यम से भी लॉक लगता है, बट यहाँ पे आपको यूजर देने के लिए, अगर खुद अकेले काम कर रहे हैं किसी दूसरे को नहीं दे रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिक्रेटरी का उपयोग करेंगे, नहीं सॉरी यहाँ पे हम लोग टैली बोल्ट का उपयोग करेंगे। बट हम अपने अंदर जो दो चार आदमी को अगर काम करवा रहे हैं और उसको रखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम किसका उपयोग करेंगे, सिक्रेटरी का, ठीक। टैली बोल्ट में डायरेक्ट लॉक और सिक्रेटरी में क्या हो जाएगा, तो हम लोग पहले सिक्रेटरी के बारे में देखते हैं फिर टैली बोल्ट के बारे में। अब देखिए यहाँ सिक्रेटरी पे आए और आने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यस कर दिए। यस करने के बाद अब मेन यूजर आईडी क्या है और अपने अंदर किसके, तो यहाँ मेन अगर किसी भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या उस वक्त है जो आप सभी को आप मेन यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई कोई अगर गलती कर सकता, हो सकता है अगर 10 डाटा एंट्री ऑपरेटर है कंपनी में रखे हुए हैं और उस जगह पे कोई भी दूसरा आदमी भी काम खराब कर देगा तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा। इसीलिए प्रत्येक को पर्सनल आप यूजर आईडी पासवर्ड दे दीजिए, ताकि वो अगर गलती करेगा तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि यही है जो गलती किया है, ठीक। क्योंकि अगर आप सभी को पर्सनल यूजर आईडी और पासवर्ड दीजिएगा तो उसमें दिखाएगा कि ये काम इतना किया है, ये किया है, ये काम किया है, वो सारा का सारा दिखाई देगा, ठीक। कैसे दिखाई देगा हम लोग आगे इसमें देखेंगे। तो यहाँ मेन जैसे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हम मेन अगर मैनेजर के पद पे हैं तो यहाँ पे चलिए हम ले लेते हैं सुजीत दास। चलिए ये हो गया अपना, यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 ये डाल दिए, एक और डाल देते हैं और इस प्रकार से हो गया, ठीक। यहाँ इसको नन कर देंगे और कुछ नहीं, इस नीचे वाले को है एड यूजर आफ्टर सेविंग सिक्रेटरी सेटिंग, इसको क्या है, यस में कर देना। यहाँ एजुकेशनल मोड वाला है तो ओपनिंग इसको नो ही रहने दीजिए, जब इसको आप परचेज कीजिएगा तब जाके उसको यस कीजिएगा। यहाँ से हम यस करके ओके कर दिए। अब इसमें किस पद पे रखना है, तो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर पे रख लेते हैं, ठीक। डाटा एंट्री ऑपरेटर पे किसको रख लेते हैं, तो प्रवीण को रख लेते हैं, प्रवीण, ठीक हो गया। और इसका पासवर्ड 1 2 3 रख लिए, ठीक। उसके बाद एक और रख लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर को, संदीप इस प्रकार से रख लिए। रखने के बाद इसका भी पासवर्ड रख दिए 1 2 3 रख दिए, ठीक। उसके बाद हम इसको सेव कर दिए। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए यहाँ पे कितना है ऑप्शन, 3 2 5 6 7 8 अप्रोक्सी 12 है, ठीक है, 12 ऑप्शन है। अब हम जो प्रवीण को दिए हैं उसका ओपन करते हैं, ठीक। तो पहले इसके लिए तो हमको शट कंपनी करना होगा, बंद करना होगा, तो अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे शट कंपनी पे, और शट कंपनी पे जाने के बाद इसको जो कंपनी है कंप्यूटर वाला के नाम से उसको क्या कर दिए, बंद कर दिए, शट डाउन कर दिए। अब शट डाउन करने के बाद फिर से हम जाते हैं कंप्यूटर वाला कंपनी पे, और यहाँ पे आप टाइप करके भी निकाल सकते हैं, बाकी आपको ढूंढ के अगर निकालना हो तो ढूंढ के भी निकाल सकते हैं। अब इसमें आपका आ गया कि कौन सा आईडी खोलना चाहते हैं, ये हम सुजीत दास के नाम से खुद बनाया है वो, या फिर प्रवीण के नाम से या संदीप के नाम से, किसको, ठीक है। तो पहले जो मेन मेरा था टैली, तो मेन टैली में 12 ऑप्शन था, अभी हम प्रवीण के हम खोल के देखते हैं, PRAVEEN, और इसका पासवर्ड जो दिए 1 2 3, इस प्रकार से ओपन हो गया। अब देखिए इसमें कितना मीनू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ ये बोले, तो 4 मीनू यहाँ से गायब हो चुका है। गायब क्यों हो गया, क्योंकि ये वर्कर है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, इस सब से इसको लेना देना नहीं है। इसीलिए कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसको टैली जो बनाया गया तो उसमें से इसको हटा दिया गया, ताकि यहाँ पर कितना प्रॉफिट होता है, अगर हो सकता है कितना, अगर उसमें वर्कर है जो अगर ज़्यादा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो बोलेगा सैलरी बढ़ाने के लिए, तो इस बीच में है जो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक। तो इसीलिए इसको हटा ही दिया है, ठीक, क्योंकि वर्कर सिर्फ वो काम देखेगा कि काम हुआ कि नहीं, कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, इसको नहीं देख सकता। तो इस प्रकार से इसमें क्रिएट वगैरह करने के लिए आ गया, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट लॉस ये सब नहीं। अब इसको मेन आईडी जो हम सुजीत दास के नाम से बनाए थे उसके में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए तो इसके लिए अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे और इसके बाद शट कंपनी पे आ जाते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम बंद कर दिए, फिर हम क्या करते हैं, वही कंप्यूटर वाला पे जाते हैं, SUJEET और DAS,
चलिए 1 2 3 4 5 इंटर। तो अब ये आ गया, तो देखिए इसमें सब है, प्रॉफिट लॉस ये सारा है। तो इस प्रकार से इसमें 12 ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो हम इसमें देख सकते हैं कि टैली में जाते हैं तो टैली में किस कंपनी में जाना है, मेरे खुद के अपना में जाना है या फिर वर्कर को देखना है या किसी भी आप वर्कर के काम करने के लिए दिए है। तो प्रत्येक के आप यूजर आईडी पासवर्ड दे दीजिए ताकि वो पर्सनल काम करेगा, और दूसरा अगर गलती जो गलती करे वही उसका भुगते। ठीक है, दूसरा को उसका प्लेस नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग फिर से अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे, और इसमें तो ये देख लिए टैली चेंज, यहां से बाकी आप चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक, चेंज यूजर नेम भी कर सकते हैं। बाय द वे वो चला गया, फिर दूसरा वहां पे आया, तो दूसरा आया तो किसका पहले ओपन करना चाहते हैं। ठीक, तो यहां से अगर हम बाय द वे कर लेते हैं प्रवीण, ठीक, और 1 2 3 तो इस प्रकार से यहाँ से ओपन हो गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं चेंज यूजर। ठीक है, चेंज यूजर यहाँ से भी हम कर सकते हैं, पहले तो हम बंद करके देख रहे थे, बट यहाँ से एक यूजर से दूसरे यूजर में अगर डायरेक्ट जाना हो तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से यूजर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर से क्या करते हैं, जो मेन अपना कंपनी है इसमें चले जाते हैं। तो इसके लिए अल्ट के प्रेस करते हैं, इसको शट कंपनी या आप चेंज कंपनी भी करके आ सकते हैं, और हाँ चेंज कंपनी भी आके कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से है जो कंप्यूटर वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जैसे मेरा अपना आईडी हो गया, और इसके बाद 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। और देने के बाद जो मेन मेरा है ओपन हो गया। अगर डायरेक्ट खुद काम करते हैं उसमें अगर लगाना चाहते लॉक, तो फिर से यहाँ से टैली बोल्ट में आकर और डायरेक्ट लॉक लगा सकते हैं। उसमें एक यूजर ही रहेगा और एक पासवर्ड रहेगा, इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी जो इस काम की है तो उसमें यहाँ पे है जो यूजर वगैरह आप चेंज करना हो तो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखे हैं जो किस प्रकार से जो है टैली है, टैली को डाउनलोड किया जाता है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल, ओपन, उसके बाद कंपनी बनाना, उसको सही करना, ये सारे प्रोसेस देखे हैं। इसके बाद जो आपके स्क्रीन पे जो लेजर बनाने का वीडियो दिखाई देता होगा, सबसे पहले उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद वही को है देखना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।